अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर स्थित NIC के सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, परियोजना निदेशक राम सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने ब्लॉक मिशन प्रबंधक द्वारा मिशन से संबंधित SHG BOM CIF डाटा अंकन की प्रगति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को दुकान आवंटन एवं राशन वितरण, ड्राई राशन के वितरण हेतु स्वयं सहायता समूह की मैपिंग एवं वितरण तथा राशन वितरण हेतु स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता का सत्यापन की प्रगति एवं समीक्षा की तथा कहा कि सभी लंबित कार्यों को अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाए, जिससे राशन वितरण प्रणाली में चयनित महिला समूहों का संवाद मुख्यमंत्री जी से कराया जा सके। वेरिफिकेशन राज्य स्तर से जब किया जाए और उसमें कोई गलती पाई जाए तो DC साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समझ नहीं मिलेगी सर, गलती होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपको दुख नहीं होगा? नहीं, डाटा गलत समझ आएगी कि क्यों नहीं मिल रहा? जी सर। हाँ, तो आप लोग सब निकल के बाहर जाइए, क्षेत्र में जाइए, सबको क्षेत्र से अपने यहाँ मत बुला लीजिए। सर ऐसे हो सुजीत, मेरे ख्याल से और किसी से वीडियो के बारे में पूछना है? ठीक है, बहराइच से पूछ लेते हैं, मैं ये सारी चीजें लिंक होती जाए। बट चूंकि पैसा ट्रांसफर करना है CM साहब के प्रोग्राम से, तो वी थॉट कि अब जिसका भी डाटा मिल जाए उसको ले लिया जाए। कासगंज की पोजीशन सबसे खराब है सर। ठीक है सर, और 141 का भी ई रजिस्ट्रेशन कराया है सर, बाकी इसमें कर रहे हैं सर, इसको हम कर लेंगे सर। समूह मिल नहीं रहा है सर, और खाते भी मिलने में कठिनाई हो रही है, तो 450 बड़े पुराने थे सर, कोई नाम पता नहीं था, तो वो सक्रिय नहीं हो पाए सर। तो उसको 1216 टोटल ऐसे दिए सर, अब करा लेंगे सर, थोड़ा सा इसकी समीक्षा में नहीं कर सकते। धान देवी, केला देवी, अंगूरी देवी, मंजूलता, गंगा देवी, भूरी देवी, गीता देवी और पूनम देवी। सफलता मिलेगी उनके ऊपर जो अंडे हाई इंटरेस्ट रेट का बर्डन है, उससे आप उनको मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा डाटा क्लीनिंग जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। तीसरा था राशन दुकानों का, उसमें आपने हमें 1000 करना था CM साहब के प्रोग्राम में, कितने हो गए? केवल अलॉटमेंट लेटर जारी होना है। जिला एटा के 8 पेंडिंग है। एटा में है सिद्धू साहब, एटा में सर हमारा 26 का टारगेट था, 17 दुकानें हमारी आवंटित हो गई है सर। सर 25 आपकी अनुमोदित हो तो पैसा जाएगा, उसमें 15-20 मिनट का एक स्लॉट ये भी रहेगा कि ये पहली बार हुआ है कि राशन की दुकान SHG मैनेज कर रही है, तो एक दो राशन की दुकान जो चला रही है उन SHG से मुख्यमंत्री जी की बात कराई जाएगी। तो उसमें ये थिंकिंग था कि हम लोग अगर ये कहें कि हमने 1000 दुकानें आवंटित कर दी है, हम लोग 1000 के बहुत करीब पहुंच गए हैं, 980। सर 991 अब तक हो चुका है, मतलब 980 का अलॉटमेंट लेटर इशू हो चुका है, तो 991 हो चुका है, तो आप 980 मतलब ये आपका कहना है कि हो जाएगा 1000? ठीक है, केवल एक सर बात कह रही है।